नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्रीकाल केम छो कसा का है माय नेम इज साहिल हुसैन दिस इज माय न्यू ब्लॉक वीडियो और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मुंबई का रे रोड वो खास इलाका जहाँ इंसानों के साथ लगता है भूतों का मेला। मेरा दाता दरगाह आने के लिए आपको सबसे पहले रे रोड स्टेशन आना पड़ेगा। रे रोड स्टेशन जब आप आ जाएंगे यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे ब्रिटानिया कंपनी से आपको रेट अंदर की ओर जाना पड़ेगा। जब वहाँ से आप जाएंगे तो पांचवी गली लेफ्ट से आपको रास्ता मिलेगा मीरा दाता दरगाह की ओर। इस इलाके में मौजूद हजरत पीर सैयद अली मीरा दाता दरगाह पर भारी संख्या में लोग आते हैं। मीरा दाता के इस अनोखे दरबार में हफ्ते के हर जुमेरात को लगती है इंसानों को सताने वाली भूतों की हाजिरी। मतलब यहाँ आने से जैसे किसी के ऊपर कुछ है तो सही हो जाता है, सही हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ देखा कि किसी को कुछ जगह करामत बहुत बड़ी करामत है बाबा और पहुंचे हुए अल्लाह के वली है। जो के लिए कहाँ जाना है? मीरा दाता के दरगाह का दरबार जुमेरात के दिन उन लोगों के लिए खुला रहता है जो लोग भूत प्रेत जैसे समस्याओं से परेशान रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले जो भी लोग होते हैं उनकी समस्या से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। ये दे दो ना पाओ, घर पे ले जाके जला सकते हैं। मीरा दाता के दरगाह पर हर दिन शाम को मगरिब के बाद बाबा के दरबार में नगाड़ा बजता है। नगाड़े की धुन के आगे भूत प्रेत इस कदर बेबस हो जाते हैं कि वो नाचने लगते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं और पुरुषों और बच्चों को सताने वाले भूत भी डरकर दरबार में अपनी हाजिरी देने लगते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक नगाड़ों की गूंज दरबार में सुनाई देती रहती है। यहाँ आने वाले लोगों की माने तो दरबार में हाजिरी लगाने से उन्हें उनकी समस्याओं से राहत मिल जाती है। अब आप चाहे इसे बाबा का चमत्कार समझें या लोग का अंधविश्वास, हकीकत तो यही है कि यहाँ आने वाली फरियादों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस दरगाह पर भूतों की हाजिरी लगती है और जो भी लोगों की समस्या रहती है परेशानी रहती है वो बाबा के दरबार पे आते हैं और फरियाद करते हैं। बाबा भी अपने दरबार में आने वाले फरियादों की सारी परेशानियों को पल भर में दूर कर देते हैं। इस दरगाह पर भूतों की हाजिरी होती है जहाँ से बाबा हर किसी को इस समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। यहाँ के आने वाले हर एक शख्स जो भी अपनी मुरादें मांगते हैं, जो भी अपनी परेशानियों को बाबा तक पहुंचाते हैं, बाबा उनकी हर परेशानियों को दूर करते हैं। घोड़े पे बैठने के लिए कितना लगता है? हाँ ये क्या है आंटी? दरगाह है ये किसका? ये तो दरगाह का ये गुंबद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।